अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश दत्त शर्मा का 91वां जन्मोत्सव तीर्थ नगरी वृंदावन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार की दोपहर आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के महासचिव आचार्य रामविलास चतुर्वेदी के सानिध्य में श्री शर्मा का जन्मोत्सव विप्र एकता के रूप में मनाया गया, जिसमें नगर के विप्र गोकुल चंद शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्रपट पर माल्यार्पण कर किया गया। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि महेश दत्त द्वारा पिछले 40 वर्षों से राष्ट्रीय पद पर रहकर ब्राह्मणों के बीच जो चेतना जागृत की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने विप्र एकता और संगठन की मजबूती को निम्न प्रांतों में निरंतर जारी रखा। कार्यक्रम में अतुल कृष्ण गोस्वामी ने भी विप्र एकता को किए गए श्री शर्मा के कार्यों की जमकर सराहना की। इस संदर्भ में आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने जानकारी दी। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री महेश दत्त शर्मा जी का आज 91वां जन्मदिवस था। 91वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा वृंदावन की ओर से उनका जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में मनाया गया। आज उनके 91वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्म एकता दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की शाखाएँ हैं वहाँ वहाँ पर भी बड़े धूमधाम से ब्रह्म एकता दिवस के रूप में इस दिवस को हम लोग मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे वृंदावन में वृंदावन के गौरव श्री गोकुल चंद गोस्वामी जी को हम लोगों ने अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले सम्मानित किया, जिसमें हम सभी को एक बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि जब हम किसी दूसरे का सम्मान करते हैं तो हमारी संस्था का सम्मान अपने आप बढ़ता है। हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख